Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samannitam Sri Chaitanya Prabhu Bande Nitta Ananda Sahoditam Sri Nanda Nanda Nanga Bande Radhika Charano Dayam Gopi Jano Samayuktam Binda Vanam Manohar Vāñcā-kalpa-taru-vaśca-kipāsindhu-bhyavacha Patitānaṁ pāvane-bhavaiṣṇavibhyo namo-namaha Mūkaṁ karoti-vācālaṁ pangunglaṁ haitya-giraṁ Yat-kipāta-mahaṁ-bande-paramānanda-mādhavaṁ Vṛndāvaitu-siddhya-vai-piyāvai-keśvasa-cha Krishna Bhakti Pade Devi Satya Vatvai Namo Namah Narayana Namaskritta Naram Jaiva Narottamam Devin Saraswatiṃ Vyasam Tato Jayo Mudir Sankirtane Krishna Kathopadesha Gauriya Patrasya Prakasane Cha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukto Bhakti Pramodakcha Jagodvaranyam Dhayam Sada Paribhavagnam Avishtaduham Tethas Padam Sivavaranchanutam Saranyam Betatiham Panatapalabhavadibhutam Bande Mahapurusate Charanaravindam Yat Pada Pallavanaka Chandamani Chataya Bhisphur-jita-kama-pikabhodushva-darshe Purna-nuragara-sa-sagara-sara-murti Sara-dhika-mahi-kada-kipa-kuroshe Sri Krishna-chaitanya-prabhu-nitta-ananda Sri-advaita-gada-dhara-sivasadi-gaura-bhakta-vinda Sri Krishna-chaitanya-prabhu-nitta-ananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Ajānulambita-bhujavu-kanukā-bhadātu Saṅkīrtanaika-bhitaru-kamalāyatākṣu Viṣyāmbaru-dijavaru-jugadharma-pālu Bandejagat-priyakaru karunā-bhutāru Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namami Gange Tava Pada Pankajam Sura Surair Vandito Dibha Rupam Bhuktiṃ ca muktiṃ ca dadāsi nityam Bhāvāṁ rūpeṇa sadā narānam Gangā taranga ramaniya jatā kalāpam Gaurī nirantara vivuṣī tavāṁ bhāgam Nārāyano priyamananga madā puhāraṁ Varānasi purapati bhajavihi shanāsam Vāgī śajuṣya vadane lakṣmīdhijasya vakṣaṣi yasyāste hidaya sambhīt tvam niṣṅgavaham bhaje Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
जमादि विरजोग पथि काम लोभ तो मुहु मुकुंद शिवया यद्वत् तथा धात्मानो सम्मति जमादि विरजोग पथि काम लोभ हतो मुहु मुकुंद सेवया यद्वत् तथा धात्मानो सम्मति। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत भोपाल जगत गुरु जी ने बताए मुसीबत कहाँ हो रहा है। जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत भोपाल जगत गुरु इन्हें कह रहे हैं मुसीबत कहाँ हो रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि असली बात तो ये है हम लोग मंगल चाहते हुए भी अमंगल का रास्ते में चल रहे हैं। सबसे बड़ा मुसीबत यही है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत भोपाल जगत गुरु जी ने बताएं सबसे बड़ा मुसीबत तो यह है कि हम लोग मंगल चाहते हुए भी अमंगल का रास्ते में जाने का निश्चय कर लिया। कोई अगर मरीज है अपना बीमार को हटाना चाहता है और अगर डॉक्टर को बुलाए और डॉक्टर अगर दवाइयाँ दे दे और उसका साथ साथ परहेज भी कर दे, अगर हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं तो मुसीबत तो रहेगा और कुछ करने का कुछ है नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मंगल चाहते हुए भी हम लोग मंगल नहीं चाहता, ये तो दिखावा है। डॉक्टर आके बोला ये सब दवाइयाँ ऐसे ही ग्रहण करना और परहेज करना, लेकिन हम प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम अपना मनमानी चलना शुरू कर दिए, खान पीन चलना बैठना सो अपना मनमानी, दवा भी तो डॉक्टर बुला के भी कोई फायदा नहीं हो सकता, बीमारी हटने का कोई बात नहीं। ऐसे ही प्रभुपाद जी कह रहे हैं सदगुरु वैष्णव में जो 24 घंटा भगवत सेवा में लगे हुए हैं, नित्य जगत का भगवत पार्षद भगवान का निजी जन है गुरुदेव, और गुरु जी का चरण में पहुंचने के बाद भी अगर हम गुरु जी का आदेश अनुज्ञा का पालन ना करें तो मंगल कैसे हो सकता। मंगल होने का तो कोई चांस नहीं। ऐसा करके बहुपत कह रहे हैं कि हमारा मंगल का रास्ता तो भरपूर अमंगल का रास्ता ही है, कुछ करने का है नहीं। किसी व्यक्ति का पिताजी बीमार है, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया रात को 12 बजे और डॉक्टर भी आए, बहुत फेमस डॉक्टर को बुलाए और पिताजी को डॉक्टर आके चेकअप किया, पहले का जो केस हिस्ट्री है, पहले क्या क्या दवा चला, कौन कौन डॉक्टर कैसे क्या किया, सारे देख के बोले ये सब दवा नहीं चलेगा, ऐसा चलो करने से ठीक चल रहे। अब जो व्यक्ति लड़का पिताजी बीमार है ना, लड़का गया, वो लड़का अभी डॉक्टर को सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, डॉक्टर जी पहले का जो मेडिसिन था ये मेडिसिन काम कर रहा था, आप ये मेडिसिन को दो। डॉक्टर बोला कौन डॉक्टर है, आप है कि हम है, बोला आप है, तो अगर हम डॉक्टर है तो हमने प्रेस्क्रिप्शन दे दिया, आप ऐसे ऐसे चलो, बोला हम तो 500 रुपया आपको विजिटिंग फ्री दे रहा हूँ, बोले तुम विजिटिंग फ्री दो कुछ भी करो तुमको मानना ही पड़ेगा,
ऐसे ही गुरुजी वैष्णव और डॉक्टर जो भी है, डॉक्टर तो मेटेरियल है जो छोड़ो, हमने इतना प्रणाम ही दिया, हमारा बात मानेगा गुरु जी, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ऐसा करने से कभी बीमारी नहीं हटेगा। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्धते वसुदेव सर्वमीति स्वमहत्ता सुदुर्लभ। गीता में ये सब चर्चा हो रहा था। बहु नाम जन्म नामंत ज्ञानवान माम प्रपद्धते वसुदेव सर्वमीति स्वमहत्ता सुदुर्लभ। जो श्लोक देके शुरुआत किया था, इसमें विशेष है जे जमादिवीर जोगोपथी कामलोभ हव हतो मुहु। इतना काम क्रोध लोभ मोह मदम आश्चर्य से घेरे हुए है एक जो जीवात्मा है, काम क्रोध लोभ मोह मदम आश्चर्य सर्वरूपी से घेरे हुए हैं, बचने का कोई रास्ता ही है नहीं। इसी अवस्था में जमादिवीर जोगोपथई कामलोभ हतम हूँ मुकुंद से भया, जितना भी कोशिश करो, जम नियम आदि पालन करो, जोग करो, कुछ भी करो, जमादिवीर जोगोपथई इस रास्ते में चलने से भी जोग जोग के द्वारा चित्त का शुद्धि होने का विधान है। लेकिन ऐसा अक्सर देखा जाता है, जम आदि नियम आदि पालन किया, योग पथ का पालन किया, लेकिन फिर भी अपना मन जो है चित्त वित्त अपना बस में नहीं आ पाया, आया नहीं, व्यतिक्रम हो जाता है। इसीलिए मुकुंद सेवाया जदवत तथा धत्वा न सन्मति। मुकुंद सेवा के द्वारा, भगवान नाम भगवत सेवा के द्वारा जितना जल्दी मन विशुद्ध हो जाते, चित्त एकाग्र हो जाते, ऐसा कोई रास्ता नहीं। जमा दिवीर जोगोपथई कामलोभ हतो मुहु मुकुंद सेवाया जदवत तथा ध्वात्वा न सम्मति। ऐसा बैलेंसिंग अवस्था में कभी भी आ नहीं सकता, एकमात्र मुकुंद सेवया, मुकुंद सेवया, मुकुंद सेवा के द्वारा जितना जल्दी वशीभूत हो सकता है आत्मा, इतना जल्दी किसी भी हालत से होना संभव नहीं है। इसीलिए उस दिन काल चर्चा किया था, बहु नाम जन्म नामांति, बहूनां जन्म नामांति ज्ञानवान माम प्रबद्धति वसुदेव सर्वमीति स्वमहत्व सुदुर्लभ। ये जो जीवात्माएं हैं बहु जन्म बाद, ये जो जीवात्मा हैं, जीव जीवात्माएं बहु जन्म बाद साधन भजन करते करते ज्ञान लाभ कर लेता है। कौन सी ज्ञान? मैंने चैतन्य निष्ठो, कम से कम ये विवेक आया कि चेतन वस्तु और जड़ वस्तु में जो डिफरेंस है, पार्थक्य है, सदगुरु मिले भेद बता में, वो भेद क्या है, ये जड़ है, ये चेतन है, इसका कोई कीमत नहीं है, जड़ है चेतन है, इसलिए जड़ो वस्तु का ये जो मूल्य है दिखाई पड़ता है। इसे कम से कम ये जो भेदभाव, भेद मतलब ये जड़ है ये चेतन है, तो जब आत्मा चेतन निष्ठ हो जाता, चेतन निष्ठ हो जाता है बहु जन्म बाद, ये भी मामूली बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। सारे तमाम दुनिया जड़ वस्तु का पीछे ही भगड़ा है, इसमें से ऐसा कोई आदमी मिलना बहुत मुश्किल है जिसको कम से कम जड़ो और चेतन में थोड़ा कम से कम
जो भेद है ये समझ में आया, मतलब चैतन्य निष्ठ हो गया। और काल बताया था चैतन्य निष्ठ होने का सात साल ये प्रिलिमिनरी अवस्था, चैतन्य निष्ठ हो गया। और चैतन्य निष्ठा में पहला होता है कि जड़ वस्तु को सारे फेंको, बेकार है, अर्थात इसका साथ नफरत हो जाता थोड़ा। लेकिन ये लोग जानता नहीं, ये लोगों को जानकारी है नहीं, ये जड़ वस्तु हो वह कोई वस्तु हो, सब भगवत सेवा में लगा दो, भगवत सेवा को उपकरण है ये समझो, तो उसमें नफरत करने का कोई बात नहीं। चैतन्य निष्ठा होने के बाद पहला स्टेज है वो जड़ वस्तु के साथ थोड़ा नफरत पैदा हो जाता, थोड़ा बहुत कियत। अद्वैत भक्ति में ठाकुर कह रहे ये प्रिलिमिनरी अवस्था, उस समय जड़ियों विशेष का ऊपर घृणा थोड़ा नफरत हो जाता विशेष धर्म के प्रति, और विशेष धर्मों का प्रति उदासीन हो जाता, विशेष धर्मों का प्रति उदासीन हो। चैतन्य धर्म में थोड़ा दिन रहने का बाद अगर सत्संग हो बा किसी के द्वारा, अगर चैतन्य का विशुद्ध हो विशेष धर्म त्वा ये जो है वो जानने का बाद थोड़ा अनुरक्त प्रकाश कर, अनुरक्ति अर्थात उसमें आसक्ति होता। पहले थोड़ा जड़ वस्तु का ऊपर घृणा पैदा, चैतन्य धर्म में बहुत दिन थोड़ा रहने का साथ साथ थोड़ा सत्संग हो कुछ हो, इसमें चेतन वस्तु क्या है परम चैतन्य रूप, जो भगवान कह रहे परम चैतन्य रूप जो मैं हूँ मेरे में प्रपत्ति स्वीकार कर लेता है, अल्टीमेटली कर लेता है, तब ये समझ में आता है ये जड़ और चेतन कुछ भी हो, ये समाम अनंत ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सारे भगवान का ही है, भगवान से आया है, भगवान में है, भगवान के लिए है सब कुछ। जत्रो येनो जतो यस्सो यस्मै यद यद यथा यदा, जब ये समझ पाता है तब एक घृणा भाव नहीं रहता, तब ये समझ पाता है कि जड़ जगत स्वतंत्र नहीं है, परम चेतन वस्तु का हेय प्रतिफलन है, परवर्ती रिफ्लेक्शन। सारे वस्तु में वसुदेव है भगवान, जैसे जग्गवल्क जी का दो लड़का को गुरु गृह में भेजा, जग्गवल्क का दो लड़का है एक बड़ा एक छोटा, दोनों गया गुरु गृह में गुरुकुल में ब्रह्म वस्तु का शिक्षा लेने के लिए। अब जब वापस आए बहुत दिन बाद जग्गवल्क जी ने सोचा कि दोनों का परीक्षा ले ले कैसा ज्ञान हुआ। बड़े लड़का को पूछा ब्रह्म वस्तु क्या वस्तु है थोड़ा बता, वो लंबा चौड़ा भाषण दे दिया और जग्गवल्क जी फटकार दिया चुप हो जा। छोटा लड़का को पूछा बेटा तुमने क्या समझा, जो गुरुकुल में गया इतना दिन गुरु सेवा किया और उसके बाद जो शिक्षा लिया है ब्रह्म वस्तु क्या है थोड़ा समझाने का कोशिश करो थोड़ा बताओ। लेकिन छोटा लड़का जो है वो देखते रह गए, पिताजी का चरण देखने रह गए और कुछ बोल नहीं पाए, चुपचाप सिर्फ चरण देख रहे हैं और माथा नीचा कर दिया, चरण देख रहे हैं और आंखें बड़े बड़े करके पिताजी का ओर देख रहे हैं फिर चरण का ओर, और चुप रह गया, मानो कुछ कहना चाहता है। जैसे एक मूक व्यक्ति जो बोल नहीं पाते ना गंगा, वो व्यक्ति कुछ कहना चाहता है लेकिन उसका तो आवाज नहीं है, ऐसा कर रहा है आंखें बड़े बड़े कर रहा है।
तो जगवल्क जी ने कह दिया ये तुम ही ने समझा ब्रह्म वस्तु क्या वस्तु है, तुम ही ने समझा सच्चा समझा। अगर ब्रह्म वस्तु क्या वस्तु है ये अगर थोड़ा अनुभव में आता है तो ब्रह्म वस्तु के बारे में बोलने का हिम्मत नहीं रहता। ब्रह्म विहर्त वस्तु है, अनंत वस्तु है। अगर कुछ समझ में आया तो ब्रह्म वस्तु के बारे में बोलने जाए तो हालत कैसा होता है, जैसे गूंगा व्यक्ति है कुछ बोलना चाहता है कि बोल नहीं पाता, आंखें बड़े बड़े करता है। बोले बेटा तुमने समझा ब्रह्मा क्या, ब्रह्म वस्तु क्या चीज है। और उस टाइम में जगवल्क जी ने एक उदाहरण दिया, बोले बेटा एक रामरस लाओ, रामरस मतलब सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, और एक पात्र में पानी लाया और छोटा लड़का को बोला तुम एक काम करो इसमें रामरस को डालते रहो, और डालते डालते वो हिलाते रहे चम्मच को, डंडा हिलाते रहे और सल्यूशन में चला गया। उसके बाद जगवल्क जी ने पूछा इतना तो रामरस था इतना पानी है, रामरस तो था, बोला हाँ था, वो रामरस कहाँ गया अब दिखाओ मेरे को, बोले दिखाना संभव नहीं कहाँ गया, बोले पानी के अंदर, कानी के अंदर कहाँ, पानी तो इधर ही है दिखाओ। जो केमिस्ट्री में रसायन विद्या में इसका प्रमाण है जे पानी का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसमें सोडियम क्लोराइड अपना जगह कर लिया, सल्यूशन में वो तो सल्यूशन बन गया, अब नीमक को अलग करके दिखाना संभव नहीं है। अगर फिर से जल को उबालो, उबालते उबालते उसका बाद पानी जब पूरा इवेपोराइट हो जाएगा, वेपर बन के चले जाए, उसका बाद नीमक सारे के सारा उधर मिलेगा। जगवल्क जी ने ऐसा उदाहरण दिया ब्रह्म वस्तु क्या है, जैसे ये नीमक को पानी में मिलाया अब नीमक गायब हो गया, ऐसा ही ब्रह्म वस्तु है परम चेतनमय चेतनमय जो ब्रह्म वस्तु है, ये ब्रह्म वस्तु हर चीजों में कण कण में ये ब्रह्म वस्तु भरपूर है। जिसका आंखें हैं वो देख सकता, जो अंधा है जिसका अंधापन है वो तो देख नहीं सकेगा, चारों ओर मैटर ही मेरे रुपया पैसा लड़की है ये मकान भाड़ी से यही देखेगा, उसका लिए संभव नहीं। ऐसा करके जिसका चेतन भाव का उन्मेष हो पाया वो परम चेतन वस्तु चैतन्य वस्तु तमाम चीजों में है। दुनिया में जो चीज दिखाई पड़ता नहीं दिखाई पड़ता फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर चीजों में वसुदेव सर्वमीति सौ महात्मा सुदृढ़, ऐसा महात्मा मिलना मुश्किल है जो समझ पाता है हर चीजों में, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में। तो इसका साथ साथ काम क्रोध लोभ मोह वो क्या करेगा, कुछ कर सकता है। जब ये डायरेक्ट अनुभव हो पाता है हर वस्तु में भगवान उपस्थित है, मैं कौन हूं, मेरा जो शरीर है ये सब सब वस्तु में सब जगह। तो ये जो भक्ति महिमा का गुण का कारण सत्संग के हेतु ज्ञानवान अर्थात मत स्वरूप ज्ञान प्राप्त होकर जो ज्ञानी के बारे में अब चर्चा कर रहा था, ये ज्ञानी साधारण ज्ञानी नहीं है। इसका बारे में हमने चर्चा किया क्या कि चार किस्म का पूरा डिवीजन बताए, ये सब अगर नित्य युक्त है एक भक्तिमान किसी और दूसरा देव देवता में आस्था नहीं रखने वाले सो नित्य युक्त है, एक भक्तिमान और श्याम सुंदर आकार श्री भगवान
इसका प्यारा होता है और ये भी भगवान का प्यारा होता है। ये चारों किस्म का कंडीशन जो है ये कोई साधारण मामूली बात नहीं है। और मायावादी का ज्ञान का जो चर्चा है वो ये दिव्य ज्ञान नहीं है, ये ड्राई ज्ञान है, सूखा ज्ञान, नेति नेति ये नहीं ये नहीं ये नहीं करते करते, नेति नेति करते करते, नेति मतलब नेति मतलब नौ इति, ये नहीं ये जड़ वस्तु है, ये नहीं ये जड़ वस्तु है, ऐसा नेति नेति करते करते अंतिम में भगवान का विग्रह को फेंक देता है। भगवान का, भगवान जो मनुष्य शरीर प्रकार के आता है ये भी फेंक देता है, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का प्रसाद, ये सब बेकार है, ऐसा करके फेंक देता है। लेकिन ये जो पक्का ज्ञानी जिसका बारे में चर्चा हो रहा है, वसुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, समस्त वस्तु में निष्प्रिय होकर निवृत्त पूर्वक एकमात्र हमको ही चाहता है, आत्मज्ञान का विचार करके हमारा चरण में आत्मनिवेदन करता है। ऐसा मां भी उदार मना मैंने जिसका है हृदय में कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ऐसा मापिक उदार मना व्यक्ति कोटि कोटि ज्ञानियों का अंदर में बड़ा सुदुर्लभ है, बड़ा सुदुर्लभ, ये मिलना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा करके भगवान ने बताएं कि बहुनम जन्म नामांत ज्ञानवान प्रवद्धते वसुदेव सर्वमिति स्वमहात्मा सुदुर्लभ, करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों का अंदर में, ज्ञानी मतलब साधारण ज्ञान, इसका अंदर में ऐसा मापिक जो ज्ञानी है जिसका अनुभव है हर वस्तु में भगवान है, स्वमहात्मा सुदुर्लभ, भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मापिक जो ज्ञानवान है प्रियो, ऐसा महापिक जो व्यक्ति है ये महात्मा है, सुदुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम है वसुदेव, वसुदेव का पुत्र है इसलिए वसुदेव, वसुदेव मथुरा ज्ञान भूमिका, पोपा जी कह रहे हैं कि मथुरा ज्ञान भूमिका, यहाँ का यहाँ में ज्ञान भूमिका में भगवान का प्रकाश ऐश्वर्य ज्ञान थोड़ा तो है ही है, इसलिए इधर शुद्ध प्रेम जो है ये संभव नहीं है। मथुरा ज्ञान भूमिका प्रभुपाद कह रहे हैं, कभी इसका बारे में चर्चा हो पाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण मथुरा में वासुदेव जी का पुत्र बन के आया था, इसीलिए उसका नाम वसुदेव का पुत्र है, ऐसा वासुदेव, वसुदेव का पुत्र बन के आया, वसुदेव द्वैवकी, इसलिए उसका नाम पड़ गया वासुदेव। इस संबंध में सनत कुमार जी महाराज ये है ना, ये सनत कुमार कह रहे हैं कि वासह सर्वानिवासश्च विश्वानि यस्सो लोमसु तस्सो देवः परम ब्रह्म वासुदेव इति ईडितः। जो सबका निवास भूमि है, जिसका रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड विराजमान है, रोम रोम विश्व समग्र विश्व, जिन इनके जो गुरु इनके जो देवता है, तहार जिनी देवता इनके जो देवता है, ये परब्रह्म वासुदेव अर्थात महाविष्णु का अंदर रोम रोम कुंभ में है,
महाविष्णु का भी ओरिजिनल कॉज, इसमें जाओ वसुदेव परब्रह्म, वसुदेव नाम है क्या, ऐसा करके विचार करके काल दिखाया था। उसका बाद एक चर्चा हुआ था, जो काम स्तोई स्तोईर हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्न देवता त्वं त्वं नियमम अस्थायो प्रकृत्वान नियता सया, जिसका अंदर में कामना वासना है, अभी कामना वासना का पूर्ति नहीं भई, कामना वासना से ऋतक ज्ञान अथवा उसका वास्तविक ज्ञान जो है रेशनालिटी, ये गायब हो जाता और अपना कामना का अनुसार एक एक देवता का अर्चन करना शुरू कर दे, पूजन करना, समझा। धनम इच्छेत हुतासनात्, धनम इच्छेत हुतासनात्, समझा। आरोग्यम इच्छेत विवत्सनात्, ज्ञानम इच्छेत है ना, ज्ञानम इच्छेत बोल गया श्लोक याद होता है। तो ये जो है आपका धनम इच्छेद होता सनात, अग्नि देवता से धन का अच्छा करो, ज्ञानम इच्छेद संकरात, याद हो गया, ज्ञानम इच्छेद संकरात, शंकर से ज्ञान प्राप्ति कर लो, गिरीश है वो, उसका नाम है गिरीश। तो धनम इच्छेद हुतासनात्, ज्ञानम इच्छेत संकरात्, आरोग्यम इच्छेत विवासनात्, मुक्तिम इच्छेत जनार्दनात्, याद हो गया। तो धन इच्छा करो तो अग्नि देवता को पूजो करो, ज्ञान इच्छा करो तो शंकर को, लेकिन मायावादी का वहां भी अर्चन नहीं है, वैष्णवानंद यथासंभव ये विचार करके करना। आरोग्यम इच्छेत विवत्सन मतलब सूर्य, सूर्य देव से आरोग्य में प्रार्थना करो, हम करने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, मैंने किसी का अगर इच्छा है तो हम कभी नहीं बताएंगे, कभी नहीं बोलाएंगे ऐसा, क्यों बुलाएंगे सूर्य देवता को, बुलाएंगे तो सूर्य नारायण भगवान को बुलाएंगे। और मुक्ति विच्छेद जनार्दन, मुक्ति मुक्तिदाता, मुक्तिदाता विष्णु रेव न संशय, मुक्तिदाता विष्णु है, शास्त्र में बहुत सारे हैं विचार है, भागवत में है और दूसरा विष्णु पुराण में है, सूर्य का आराधना किया, देखो विचार करके कौन कौन किया सारे देखो, महाभारत में है ना, सूर्य पुत्र जो है वो सूर्य भगवान का तपस्या किया, वो सूर्य कुंड है दिल्ली का रास्ते में, मथुरा रोड में पड़ता है वो, दिल्ली का पूरा एकदम हिमाचल स्टेट है वो सूर्य कुंड बोल के की जगह है, वहाँ एक कर्ण जी महाराज तपस्या किए भगवान श्री कृष्ण का। और वाराणसी में भगवान श्री कृष्ण का जो लड़का है वो तपस्या किया, इच्छा करके लीला किया, इच्छा करके ये सब लीला कर किया स्वस्थ होने के लिए, बहुत सारे चीज है, इसे सुनने जाओ तो कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, भले ऐसे कैसे हो सकता, ले भगवान का लीला है, इच्छा करके किया। छो काम स्तई स्तई हृत ज्ञान शाम्बो का बीमारी हुआ था, शाम्बो इच्छा करके, ये भगवान का ही खेल है, शाम्बो जाके सूर्यनारायण भगवान का तपस्या किया वाराणसी में, बहुत सारे कहानी है, ये आम आदमी सुनने जाए तो कॉम्प्लिकेशन, उसका विश्वास नहीं हो सकता, कैसे होगा हमारा,
सिद्धांतो बोलिया चित्ते ना करो अलस यहाँ होते कृष्ण आगे सुधीर मानस सिद्धांतों के बारे में आलसी राम भजन में आलसी आ भजन का हुसिया आलू का पराठा ये वो सब बनाओ और खाओ होशियार भोजन में और भजन में कोई मन नहीं है। तो ऐसा करके देखा जाए तो कामोई स्तोई स्तोई हृत ज्ञाना अपना अपना काम का पैदा हुआ हृदय में तो अंधापन आ गया अंधा हो गया तो देख नहीं सकता। अंधापन मतलब तत्व ज्ञान को देख नहीं सकता विचार रेशनैलिटी खत्म हो गया। ओ दूसरा देवता जो देवता अरे महाराज गणपति महाराज का पूजा करो उसमें गणाधिप लीडरशिप मिलेगा नेता हो जाओगे गणपति। हाँ सरस्वती का पूजा करो जड़ जगत का ज्ञान प्राप्ति होगा गिरीश का पूजा करो ज्ञानी हैं आर्ट एंड कल्चर डिफरेंट पैसा काम सारे ये सब मांग लेगी। कभी भी अन्नपूर्णा का पूजा करो कभी भी अन्न का अभाव नहीं होगी। ऐसा करके कामोई स्तोई स्तोई हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता दूसरा देवता का चरण में शरण लेता है। बहुत सारे घटना है बहुत सारे ये हमारा जो व्याकरण है ना ये व्याकरण तरह तरह का व्याकरण है एक कला व्याकरण है। ये कार्तिक जी महाराज कोई राजा को दिया था कला व्याकरण जो महाप्रभु जी ने अभ्यास किया इच्छा करके। और पाणिनि व्याकरण शंकर से आया है शंकर भगवान का तपस्या किया और शंकर भगवान ने संतुष्ट होकर डुमरू बजा दिया डुम 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 उसमें फॉर्मूला बता दिया। ऐसा करके कई तरह तरह का उदाहरण है। सो काम स्वर हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्न देवता त्वं तम नियम अस्थायो जो नियम है हैं त्वं तम नियमम जो देवता जैसे संतुष्ट होता है जिस फूल में शनि देवता को अपराजिता दे दो काली मैया को जवा फूल दे दो हैं शंकर भगवान को धुतरा दे दो ऐसा करके कुलकी दे दो ऐसा करके जो देवता जिस फूल में संतुष्ट होता है ये सब दे दो। तं तं नियमम सही से नियम अस्थायो आश्रय पूर्वक सया प्रकृत्वा नियत्वा स्वभाव वशीभूत हो या दूसरा देवता को अर्चन करने का प्रयास प्रचेष में लगा रहता है और मिल भी जाता है भगवान अगले सुप्रीम भाव। जैसे भक्तिवीन ठाकुर का विचार है आर्तादि व्यक्तिगण कसाय शून्य होकर भक्ति आचरण करके भक्तिवीन ठाकुर जी ने कह रहे हैं कि आर्तादि व्यक्ति जिसका अंदर में आरती है आर्तो कष्ट मिलता है छुटकारा चाहता है। गजेंद्र का उदाहरण तो एक दिया बहुत सारे हो सके बीमारी से पीड़ित है कुष्ठ हो गया वो छुटकारा चाहता है। आर्तादि ये जो व्यक्तिगण है कसाय शून्य होकर अर्थात उसका अंदर में कोई कामना वासना का गंदगी शून्य हो जाए तो भक्ति का आचरण में लग जाता है। जिस समय तक उसका अंदर में काम कसाय विद्रुत न होता जिस समय तक इसका अंदर में काम कसाय का सफाई नहीं हो पाता उस समय तक इसका स्वभाव बहिर्मुख है। ये आर्तादि व्यक्ति तो कभी भजन करे भगवान का और छोड़ भी दे सकता है। भगवान ने चार किस्म में व्यक्ति भजन करेगा कर सकता लेकिन इसका उदाहरण दिया भक्ति में ठाकुर हाँ चार किस्म का व्यक्ति भजन कर सकता लेकिन चारों किस्म का जो व्यक्ति है अपना अपना रास्ते पे अपना जो गंदगी है काम कषाय उसको हटा के भक्त संघ के द्वारा विनिर्मुक्त होके तब भक्ति करता है।
ये जो बोला भक्ति करता है, ऐसा नहीं कि चार किस्म का जो 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 स्थिति में जो जो स्थिति में है भजन कर लेता, ऐसा नहीं। तो जब तक काम कसाय विदुरित सफाई हो नहीं हो पाता, इस समय तक बहिर्मुख भाव बहिर्मुख स्वभाव बने रहता है इसका अंदर में, अंतर्मुखी नहीं है, स्वभाव तो बहिर्मुख। और कामी होके भी अगर हमारा स्वरूप, भगवान कहते हैं कि हमारा स्वरूप का आश्रय करे, और कामी होके भी जो लोग कामी कामना वासना है, लेकिन कामी होके भी जे लोग हमारा स्वरूप को आश्रय करता है, वे लोग बहिर्मुख भाव को कोई और सुयोग नहीं देते बहिर्मुख भाव को। इसलिए उस दिन दो दिन बताया था वो अकाम सर्व काम वह, ये इसका लिए यह पूजा जो है, इसका अंदर में काम है लेकिन भगवान चोर की किसी को नहीं चाहता, भगवान चोर की किसी को ना। अकाम सर्व काम वह मोक्ष काम उदार उदार थी, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तीव्र न भक्ति योगे न जयजित पुरुषम परम, वो बहिर्मुख भाव को आश्रय नहीं देते। इसका अंदर में ये भाव रहता है कि हम थोड़ी समय में, इसका अंदर में ये भाव रहता है कि मैं थोड़ी समय में हमारा अंदर से काम भाव जो है उसको काट के फेंक देंगे, ऐसा भाव। लेकिन जो लोग मेरे से बहिर्मुख है और काम के द्वारा हृतज्ञान है, जिसका रैशनैलिटी खत्म हो गया, विचार विवेक खत्म हो गया काम के द्वारा, वो क्या, वो बहुत जल्दीबाजी में है, वो बहुत जल्दी जल्दी छोटा छोटा छोटे छोटे विषय पर कामना वासना पूर्ति करने के लिए काम फल दाता देवता लोगों का उपासना करने में लग जाता है, भाई जल्दी मिलने के लिए। क्योंकि ये जो सौ सौ तामसी की और राजसी की प्रकृति के द्वारा चालित होकर जैसा जैसा नियम है, जैसे शंकर भगवान को बृकासुर ने तपस्या किया, बृकासुर ने तपस्या किया काम के द्वारा विमोहित होकर, गौड़ी हरण लाल सह गौड़ी देवी को हरण करने के लिए शंकर का उपासना शुरू कर दी, और स्व स्व तामसी और राजसी प्रकृतिम अस्थायो, और तामसिक प्रकृति है बृकासुर का, वो तामसिक प्रकृति भाव लेकर तपस्या किया, जिसका बाद राजसिक है, जैसे आपका सुरथ राजा महाभारत में आता है, सुरथ राजा भागवत में भी आता है लेकिन डिटेल्स आता है महाभारत में। सुरथ राजा इतना बलि चढ़ाया कि अनगिनत, सुरथ महाराज अनगिनत बलि चढ़ाया देवी मैया के लिए, राजसिक भाव है, तामसिक राजसिक जैसे ऐसा भाव है, स्वभाव है, स्व स्व तामसिकी राजसिकी प्रकृति में अस्थायो, ये अपना अपना जो कामना पूर्ति करने के लिए एक एक देवता का अर्चन पूजन बंदन वो शुरू कर दे, देवतांतर का पूजा करे, जल्दीबाजी में है लोग। कल यहां चर्चा किया था, जो जो जंग जम तनुम भक्त सद्धयार्चितुम इच्छति, जो जो व्यक्ति जो जो देवता तनु का भजन करना चाहे, जैसे सरस्वती का समझा, जैसे अग्नि देवता का, कोई भी देवता का, जो जो जंग जंग तनु विश्वकर्मा का, कोई कोई देवता का, सो जंग जंग इधर लिखा हुआ है, जो जो जंग जंग तनु, जो जो व्यक्ति जो जो देवता तनु का आराधना करना चाहता है,
जो जो जंग जंग तनु भक्त श्रद्धायाम अर्चितुम इच्छति, श्रद्धा लेकर जिस जिस देवता स्वरूप का अर्चन वंदन भजन करना चाहता है, तस्सो तस्याचलम श्रद्धाम तमी तमेव विदधामि अहम्। और वो देवता में उनका जो भक्ति है, तस्सो तस्याचलम श्रद्धाम, अचलम श्रद्धा मतलब चले, सरस्वती में श्रद्धा किया तो थोड़ा बहुत आगे चल के चल गया, लक्ष्मी में ऐसा नहीं, अचला मतलब जो चला नहीं पर एकदम फिक्स है, ऐसा अपना कामना वासना पूर्ति के लिए जो जो जंगजम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, जो जो देवता का देवता स्वरूप का अर्चन करना चाहता है, वो देवताओं में तस्सो तस्याचलम श्रद्धाम, उसका उस देवता का चरण में उसका श्रद्धा को हम गाढ़ा फिक्स कर देते, अचलम श्रद्धाम तमेव विदधामि अहम्। इसमें एक सीक्रेसी आता है कि जो जो देवता का अर्चन करना चाहे, देवता भगवान का शरीर है, उसका अंदर में सारे भगवान देवता का उपस्थिति है। आज ये जो देवता लोगों का ये सब देवता जो है जिस देवता का अर्चन करना चाहता है उसको सिद्धि प्राप्त करना जरूरी है, ये समझता, ये विचार लेके जब शुरू किया, भगवान कहते हैं वो देवताओं में वो देवता का चरण में इसका श्रद्धा को अचला अतः फिक्स कर देता हूँ मैं, विदधामि अहम्, इस देवता के चरण में मैं श्रद्धा फिक्स कर देता हूँ, अचला श्रद्धा विदान, क्योंकि जब तक अचला श्रद्धा न हो वो कंसेंट्रेशन नहीं होगी, और कंसेंट्रेशन अगर नहीं होगी तो संभव नहीं उसका लिए। देवता का जो रिस्पॉन्स है वो मिलना मुश्किल है, ये जीवात्मा पुकार रहा है, कभी देवी मैया को पुकार रहा है, कभी सरस्वती देवी को, कोई गणपति देवी को पुकार रहा है। कोई कोई आदमी का ये विश्वास है, कोई कोई आदमी का ऐसा विश्वास है जो जो देवता का ही हम पूजन करें ये भगवान का ही तो पूजा होता है, ऐसा कोई कोई आदमी का विश्वास है। अथवा ऐसा भी विचार आता है ये देवता लोग जो है भगवान में भक्ति उत्पादन करना इन लोगों के लिए आसान है, ये लोग कर देगा, लेकिन ये संभव नहीं। दक्षिणेश्वर का एक पुजारी है जिन्होंने भजन करके माँ को प्राप्त किया और माँ को बताए कि माँ मैं भगवान श्री कृष्ण का चरण देखना चाहता हूँ, माँ ने इनकार कर दी, बोले हमारे लिए संभव नहीं, मैं भी देख नहीं सकता, तू कैसे देखेगा। तो देवी का आराधना करो करने जाओ ये भी बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है। उस दिन बोल रहा था ना, कम से कम 3.5-4 साल एक व्यक्ति पुरस्रवण किया कामाक्षा में, उसका बाद माँ का झांकी दर्शन हुआ, ये भी कोई आसान बात नहीं है। शंकर भगवान का वाराणसी में जाओ, तैलंग स्वामी 350 साल जिंदा था, शंकर भगवान को प्राप्त किए। तो ये जो है कई आदमी का गलत फहमी है, कोई कोई आदमी का ऐसा भाव विचार है जो जो देवता का अर्चन भी हम करें तो भगवान में तो अर्चन हो जाता हमारा, हाँ ऐसा तुम्हारा बुद्धि थोड़ी है। ऐसा अगर विचार है, जथा तरर मूल निसेचनेन तिप्पन्ति तत्स्कंद भुजो उपशाखा प्राणोपहारस यथेन्द्रियाणम तथैव सर्व अर्हरणम अच्युतेजा, ऐसा विचार है आपका अंदर में? कोई अगर ऐसा कहे कि कोई भी देवता का पूजन करे मतलब उसका ही तो हो जाता है,
तो क्यों नहीं भगवान के चरण का अर्चन करो, उसमें सारे देवदूत का अर्चन हो जाएगा। भगवान आगे चल के बताएंगे ना, ये देवता लोग का अर्चन करता है, मेरा ही अर्चन है, बट इट इज इल्लीगल, क्योंकि कहां जाए, सर्वम खलुदम ब्रह्म, सारे ब्रह्म वस्तु है, तमाम देवता लोग कहां से आया, कहां से आया देवता लोग, तमाम क्रिएशन, तमाम सृष्टि का राज जो है भगवान का चरण में, तो तमाम वस्तु में ब्रह्म का अनुभूति ये हुआ, ये तो नहीं हुआ, तो सर्वम खलुदम ब्रह्म बोलने से ही तो होता नहीं। अगर भगवान का चरण का अर्चन करे, वंदन करे, पूजन करे, इसमें तमाम देवताओं का, अनंत ब्रह्मांडों का पूजन हो जाता, क्यों नहीं ये कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो। अगर भगवान का चरण का अर्चन करने से अनंत ब्रह्मांडों का तुष्टि पुष्टि हो जाता, प्रेरणम प्रेरणम सगर सर्व प्रेरणम सर्व जगताम, सर्व जगत तुष्टि पुष्टि हो जाता, तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टो, भगवान तुष्टि हो जाए, तो इसका प्रमाण भी दिया है भगवान। दुर्वासा मुनि जी ने जब पहुंचा काम वन में, जंगल में दुष्ट दुर्योधन का विचार बहुत खराब है, उन्होंने बोला वो तो भिखारी है अभी, और दुर्योधन भेज दिया, किसको, वह दुर्वासा मुनि को भेज दिया, बोले महाराज ऐसा समय में जाना जब द्रौपदी का भोजन हो जाए, मेरा ये एक विनती है, बोले कौन सी विषय, बोले जो भी है अब ऐसा करना, इसमें परीक्षा भी हो जाएगा थोड़ा, कुंती तो जाके मुसीबत में फंसा दिया है दुर्वासा मुनि, जाके उन लोगों को मुसीबत में फंसा दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतना पुकारे भगवान को द्रौपदी, भगवान आ पहुंचे, हाँ बोले मैं भूखा हूं, तुम तो और यू नो एक तो जल रहा हूं और फिर जलाने के लिए आए हो, बोले क्या बात है, बोले मैं भूखा हूं, बोले कुछ नहीं बचा, नहीं तो तुमको क्यों कैसे बुलाएंगे, वो तो है ही, ये तो एक थाली है ना द्रौपदी का पास, इस थाली में जितना परोसते रहो खत्म नहीं होगी, लेकिन भगवान ने बोला देखो पात्र में कुछ है, बचा खुचा है, कुछ बचा खुचा है तो दे दो, और कुछ बचा नहीं, अब देखो तो सही, एक साग का टुकड़ा और एक चावल का दाना, वो पूरा नहीं, आधा भी नहीं, छोटा, वो हाथ में लिया और लेके मुंह में डाला और पानी दे दिया, पानी पिया, बस हो गया, तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टो, ये प्रमाण कर दिया। तो ये सो लोगों का ये दुष्ट लोगों का विचार है, कोई क्या अगर बचा है बना तर्क उठाता है ना, देवता का पूजन तो हम भगवान का ही होता है, तुम्हारा अनुभव का साथ किया क्या, तुमने तो ये अनुभव का साथ नहीं किया कि देवता को पूजन कर सर्वम खलुदम ब्रह्म, सभी में भगवान है, भगवान का ये तो नहीं किया तुमने, अपना धंधा को पूर्ति करने के लिए ने अपना धंधा को पूर्ति करने के लिए पूजा किया, और अभी तर्क उठा रहे हो कि भगवान का पूजा होगी। आगे चल के भगवान तो यही बताएंगे, देखो ये लोग जो देवता लोग का पूजन करता है ये मेरा ही पूजन है, लेकिन ये इल्लीगल है, उचित नहीं है। और कोई कोई किसी आदमी का ऐसा गलत में ये देवता लोग जो है भगवान में भक्ति पैदा कर देगा, ऐसा इजी नहीं है, देवता लोग भी भक्ति मांगता है, ऐसा कोई इजी बात नहीं है। लेकिन इधर ये विचार है, भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि देव पूजक जे जो देव तनु अर्थात देवता स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक पूजा करने की इच्छा रखता है, भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अंतर्यामी रूप में, मैं अंतर्यामी रूप में सबको के अंदर में बैठा हुआ हूं, और जो पूजन करना चाहता है कुछ विशेष देवता स्वरूप का, इसका अंदर में श्रद्धा अनुजाई, इसका अंदर में अपना अपना श्रद्धा का अनुसार स्व विभूति पूजा, स्व विभूति रूपा
देव मूर्ति का प्रति, देवता लोग तो भगवान का विभूति है ही है, सौ विभूति रूपा इसी किसे यही देव मूर्ति का प्रति इसका श्रद्धा मैं पैदा कर देता हूं, जैसे इसका अचला सद्धि श्रद्धा पैदा हो जाए। लेकिन ये अपना प्रति हमारा ओर, ये बहिर्मुख व्यक्ति का भगवान कह रहे हैं कि मैं तो ये भी कर सकता था कि मैं अंतर्जामी हूं, इसको घुमाकर मेरा ऊपर श्रद्धा पैदा करने का मेरा भी क्षमता है, ये अलग अलग देवता का चरण में मेरा विभूति रूपा जो देवता है, जो देवता का वो भजन करना चाहता है उसका अंदर उसका चरण में इसका भक्ति मैं एकदम स्टेबल कर देता हूँ, अचला भक्ति। लेकिन मैं ये नहीं करता कि उसको घुमाकर ये मेरा प्रति विमुख जो है, मेरा प्रति विमुख जो है उनको घुमाकर अपना विषय में श्रद्धा प्रदान नहीं करना चाहता हूँ, ये कोई आसान बात नहीं है, बड़ा रेयर चीज संपत्ति है भक्ति, भक्ति या संपत्ति उतना इजी नहीं है। ददाति मुक्तिम स्मान भक्ति योगम। युधिष्ठिर महाराज जी ने प्रश्न किया, नारद जी कह रहे हैं कि राजन भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार है लेकिन भक्ति देना नहीं चाहता। जे जथा मान प्रबोधंत सदैव भजन में हम, जो जैसे हमको भजन करता है, जे जथामंग प्रपदंतांग सदैव भजम्य हम भी उसको ऐसे ही भजन करता हूं, समझा। ऐसा करके नारद जी महाराज कह रहे हैं कि राजन भगवान सब कुछ देना चाहता है, जे जथामंग प्रपद, जो जैसे किया उसको रिटर्न देना चाहता है, रेसिप्रोकेट करना चाहता है, दे दे उसको। ददाते मुक्तिम, मुक्ति तक दे देता है लेकिन भक्ति नहीं देता है। भक्ति नहीं देन राखेल लुकाइया, चैतन्य चरितमृत में है, भक्ति नहीं देन राखेल लुकाइया, मुक्ति तक दे देता है लेकिन भक्ति देना नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति संपत्ति है। भक्ति होने का साथ साथ भगवान स्वयं उसका वशीभूत होना, वशीभूत होने का प्रतिज्ञा किया भगवान, जिसका अंदर में भक्ति है भगवान उसका वशीभूत हो जाता है, ये कोई मामूली बात नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज को नारद जी कह रहे हैं कि राजन भगवान ददाते मुक्तिम स्मान और भक्ति योगम, भक्ति योग देना नहीं चाहता, क्योंकि भक्ति योग देने से भगवान अपने को दे देता है। उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद में है बहवो लोको पालानम, और फिर बृहदारण्यक में इंद्रादयो बाहोवः, ये बृहदारण्यक उपनिषद में है, भागवत में है, ये सब भागवत में है, है। बृहदारण्यक में है ज आदित्ये तिष्ठन, ये बृहदारण्यक अस्मद् भागवत जी महापुराण में बहवो लोकपालानम पहला स्कंद में है, दूसरा स्कंद में है इंद्रादयो बाहोवः, दूसरा स्कंद में है, दूसरा स्कंद में और है देवा नारायणांगजः, दूसरा स्कंद में है। ऐसा करके तमाम शास्त्रों में, वेदों में भी है, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद सब वेदों में देखना, कभी कभी लगेगा कि इंद्रो भगवान है, ऐसा नहीं, जो ऋषि पूजन कर रहा है भगवान का साथ उसका तदात्मो भाव हो गया। वेदों में मंत्र आता है, बहुत सारे मंत्र ऐसा है कि लगेगा माने कि इंद्रो का पूजा कर रहा है, लेकिन बाद वेदों का टीकाकार है और बोला नहीं, ऋषि जो पूजन करता है भगवान का परब्रह्म का, लेकिन उसका इतना तदात्मो भाव हो जाता वो इंद्रो को जो अगर बुलाते हैं तो इंद्रो में भी भगवान दिखाई पड़ता है,
इसका विचार अलग है। और कामुक व्यक्ति जो काम जिसका अंदर में भरपूर काम है, ये लोगों का जो विचार अलग है, ये एक नहीं है, एक जैसा नहीं है। तो ये अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि देखो विचार करके, सौतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनम इहते लभते चौतत कामान मयैव विहितान हितान। भगवान ने बताए अर्जुन को, देखो सौतया श्रद्धया, सौतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनम इहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। देखो क्या बात है, ये श्लोक पढ़ने से कोई देवता का पूजन करना सब छोड़ देगा अगर बुद्धि है तो। भगवान ने बोला देखो, अगर ऐसा अगर हमने उसका श्रद्धा को अचला कर दिया उस देवता के चरण में जिसका साथ उस जिसका साथ कामना वासना का रिलेशन है उसका, और ये जो कर देता हूं मैं सौतया श्रद्धा, ऐसा मैं भी श्रद्धा करके जो भजन में लग जाते हैं सौतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनम इहते, तस्यो आराधनम इहते, उसका आराधना में लग जाता तस्यो कस्यो ओ देवता का, ठीक है। और उसका बाद जो जब आराधना पूर्ति हो जाए, कामुक व्यक्ति का आराधना कब तक, कामुक व्यक्ति का आराधना कब तक, जब तक अपना कामना का पूर्ति ना भाई, पूर्ति हो गया तो फिर दो, समझा मेरा भाव। कामुक व्यक्ति का अर्चन तब तक है जब मतलब है, अब मतलब हासिल हो गया तो फेंक दो और दरकार नहीं। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि सौतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनम इहते, ये श्रद्धा लेके उसका आराधना में लग जाता है। और उसके बाद लवते चौततः कामान, और जो अपना अपना कामना वासना का जो पूर्ति का जो जो एक लिस्ट बनाया वो तो पूर्ति हो गया। लवते चौततः कामान, काम कामना वासना का पूर्ति भी प्राप्त हो जाता, लेकिन लोग जानता नहीं ये कामना जो पूर्ति हुआ कहाँ से हुआ। ये जो कामना का पूर्ति भाई, आपका जो प्रामना काम, आपका जो कामना का पूर्ति भाई कहाँ से आई है। लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान, कोई समझे कि महाराज गणपति देवता दे दिया हमको, पैसा दे दिया, बिजनेस कर दिया सब, लेकिन वो जानते नहीं हम मयैव विहितान हितान, मयैव विहितान हितान तानो, अर्थात जो जो कामना का वस्तु है मेरा अप्रूवल, जैसे जैसे सेंटर से अप्रूव हो जाता है तो स्टेट में डिसबर्समेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, पहले सेंटर में अप्रूवल होगा, सेंटर में अप्रूवल होके आएगा तो इस स्टेट में अप्रूवल वो तुम्हारा बंटन डिसबर्समेंट हो सकता है। ते लोग को पता नहीं कि भगवान कह रहे हैं कि जो जो देवता का तू अर्चन किया, तोरा कामना वासना का पूर्ति हुआ, मेरा साथ कोई नक्का नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन तेरे को पता भी नहीं है कि मैं उस देवता के द्वारा, जैसे राजा बाहर में नहीं आते, किसी छोटा मोटा मंत्री को दे दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, आप जाके ये सब कपड़ा आदि जो है जेवरात है ये गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाओ, कोई अगर सोचे तो ये जो आया है वही दे रहा है, ये गलती है, राजा ने भेजा है जो आप डिस्ट्रीब्यूट करके आओ, इसका मतलब ये नहीं तो जो नौकर को मालिक समझे। तो ये जो भगवान ने साफा कह दिए, खुलासा कर दी, जो जो कामना का पूर्ति भई तुम्हारा अंदर में, तुम्हारा जीवन जिंदगी में जो जो कामना वासना का पूर्ति भय, ये पूर्ति जो है मैंने ही कर दिया, किसी ने नहीं किया, मैंने। ऐसा करके भगवान प्रमाण दिया, सौतया श्रद्धया
युक्त तस्याराधनम इहते लभते चौततः कामान मयैव विहितान हितान। इसका बाद का श्लोक में 23 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि देखो अर्जुन इतना अकलमंदी है, विचार इतना कम है लोगों का, क्योंकि काम काम के द्वारा उसका जो रसनालिटी विचार क्षमता सब खत्म हो गया। काम स्तर हृतज्ञान में ज्ञान चला गया, ज्ञान माने पूर्वापर कोरिया विचार, ये पहले और बाद में नतीजा क्या है, किस लिए कर रहा हूं, क्या चाहिए, इसका मकसद क्या है, उसमें मेरा क्या लाभ होने वाला है, कितना दिन के लिए लाभ होने वाला। महाराज हमको एक बच्चा दे दो, अरे बच्चा दे दो, बच्चा क्या करे, बच्चा दे दो, ऐसा बोल के आत्मदेव जी रोना शुरू कर दी। बाद में तो पछताना पड़ा, देखो। और हमारा रविंद्रनाथ ठाकुर जी, हमारा ना वो जड़ जगत का कवि है, लेकिन प्रभुपाद का साथ मिला है, भक्तिविनोद ठाकुर का साथ हरिकथा सुना है बहुत बार, एक बार नहीं, बहुत बार। इसलिए टोटली 100% मटेरियल है, फिर भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा विचार है थोड़ा वो। अमार माथा नत करे दाओ हे प्रभु तुमार चरण तले गीतांजलि, जिसका लिए नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि, इसमें है ये अमार माथा नत करे दाओ, हमारा सर झुका दो ठाकुर जी, मेरा सर झुका दो आपके चरण में, मेरा सर झुका दो आपका चरण में। ये जो विचार है ये क्या है, ये तो निर्विशेष ब्रह्म नहीं है, निर्विशेष ब्रह्म ने जो भगवान का स्वरूप है समझा, इसीलिए बोल रहा है। और पिताजी का साथ रहा था बचपन में, इसलिए निराकार ब्रह्म का भी है, दोनों किस्म का है, मिलावटी है, कुछ भक्ति भक्ति कुछ नहीं है, इतना ही है बस थोड़ा बहुत। तो अंत बंतु फलम तेसाम तद्भवती अल्प मेदसाम देवानो देवो जजो यान्ति मदभक्ता यंती माम अपी। भगवान ने विचार करके दिखा दिया, देखो अर्जुन ये कामना वासना के हमको लड़का दे दो, जैसे देखो आपको मालूम है हैं, और जो भागवत में है हमारा चित्त केतु महाराज, कोई संतान नहीं है, प्रार्थना किया मेरे को एक संतान दे दो, तो संतान भी हुआ, लेकिन संतान होने के बाद क्या हालत हुआ आपको मालूम है। तो अंत बंतु फलम तेसाम, भगवान कह रहे हैं कि देखो ये जो कामना वासना लेकर ये देव देवता का पूजन करे, श्रद्धा करे, अर्चन करे, और बाद में मिल भी जाए, कामना वासना का पूर्ति भी हो जाए, लेकिन कहां तक कब तक, ये मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, ये मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, क्या करे। ये लिखे भगवान ने कह दिया कि देखो अंत बंतु फलम तेसाम, ये जो अर्चन कर रहा है क्या मिलने वाला है, मतलब दो दिन का वस्तु ना, कौन सी नचिकेता को जमराज जी महाराज बर दिया, और जमराज जी महाराज सोचने लगे कि ये बच्चा जो है इसको बर देके उसको भुला के भेज देंगे घर में, घर को भेज देंगे, लेकिन बच्चा तो बच्चा नहीं है, उसका तो इतना विचार है। जमराज जी बोला देखो आत्मा का रहस्य क्या है, ये सब बकवास मत करो, ये सब चुप हो, ये सब क्या करोगे, तुम बच्चा हो तुम, चलो हम दे देते हैं, चलो क्या क्या चाहिए बोलो, सब हम दे देते हैं, ये पूरा दुनिया का राज दे देंगे, सब कुछ है वैभव दे देंगे। अरे महाराज ये लेके क्या करें हम, ये तो दो दिन का है, कहाँ गया सो नहुस राजा, कहाँ गया गए राजा, कहाँ गया सब इनो पृथ्वी महाराज, कहाँ गया देखो अम्बरीश महाराज, कहाँ जो सारे चला गया, ये तो दो दिन का है, नहीं हमको नहीं चाहिए सब, देना है तो आपको यही देना पड़ेगा, आत्मा का रहस्य क्या है,
अग्नि का आत्मा का रहस्य बताओ, अग्नि का रहस्य जो है अग्नि का क्या रहस्य है ये बताओ, अग्नि का रहस्य जानोगे तो पागल हो जाओगे, कितना सूक्ष्म रहस्य है अग्नि। तो जब देखा ये बच्चा तो छोड़ेगा नहीं, तो अंतिम में देना पड़ा और संतुष्ट होकर जमराज जी महाराज एक वरदान कर दिया कि चलो ये तो दिव्य ज्ञान दे ही दिया और तुम्हारा नाम पे एक यज्ञ का जो अग्नि है वो तुम्हारा नाम पे होगा, नचिकेता अग्नि। सो भगवान हंस रहा है कि अर्जुन ये लोग जो इतना तपस्या कर रहे हैं, इतना भजन कर रहे हैं, इतना कष्ट कर रहे हैं, किस चीज के लिए? महाराज 2 दिन का जिंदगी है और जिस चीज प्राप्त करना चाहता है कि वो भी रहेगा नहीं, जहां राखी बारे चाहे तहां नहीं रहे भाई, अनित्य विनिश्वर संसार। भक्तियों ठाकुर कीर्तन में लिखा, भक्तियों ठाकुर कीर्तन में लिखा, जहां राखी बारे चाहे जो रखना चाहता है, ये बिल्डिंग प्रॉपर्टी आदि सर, अरे सारे लगा दो सेवा में, पागल कुछ नहीं रहेगा, छीन के ले जाएगा डाकू। अंतबंधु फलम तेषाम तद भवती अल्पमेधसाम, ये अल्पमेधा है, हीन बुद्धि अल्पमेधसाम, ये हीन बुद्धि युक्त व्यक्ति ये थोड़ी छोटे छोटे का फल कामना लेकर देव देवता का अर्चन करने में लग जाते हैं और फल भी मिल जाते, चलो हम अप्रूव करते थे, लेकिन कितना दिन का लिए ये सच्चा है? 2 दिन का है जीवन, जिंदगी 2 दिन का है, मुट्ठी बंद के आया जगत में हाथ पसारे जाएगा, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा? बोलने का टाइम में बहुत अच्छा लगता है, गाने का टाइम में, लेकिन अनुभव का टाइम में कुछ नहीं है। ये जो है अभी भगवान ने ये वादा कर दिया, जे देवानो देव जजो, जो देवता लोग का अर्चन करता है, जजन करता है, ते जनहा जानती देवानु देव जजो जानती, देव जजन करने वाले को देवलोक को प्राप्ति होता है, देवानु देव जजो जानती एंड मदभक्ता, हमारा जो भक्त है माम ओपी, वो हमको ही प्राप्त करता है, एक नहीं है, जो देवता का अर्चन करे, पूजन करे, भजन करे तो देवता का जो 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 देवता का अर्चन करे वहां जाएगा, और मेरा अर्चन करने वाले मेरा बसाएगा। अब ये प्रश्न कोई अगर तर्क उठाए, बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं, कोई अगर ऐसा तर्क उठाए कि अगर देवता लोग तो आपसे ही आया हुआ है, आपका विभूति है, अभी ये प्रश्न आता है, देवता गण अगर आपका ही है तो वो लोग, वो सब देवता लोग भी आपका ही तो भक्त है, अर्थात कृष्ण भक्त गण फल समझा, वो देवता वो देव भक्तो तुम्हारी तुम्हारे भक्त है, ये प्रश्न अगर आए, देवगण अगर तुम्हारा ही है भगवान, देवगण अगर तुम्हारा ही आपका ही है तो जो जो देवता का भी अर्चन करे कोई, वो देव भक्तो, किसी ने किसी देवता का अर्चन किया भक्त हुआ तो आपका ही तो हुआ, ऐसा अगर प्रश्न उठाए, इसका उत्तर में तो कृष्ण भक्तों गणों का फल का सम्मानित तो होना चाहिए, होनी चाहिए भगवान में, नहीं 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 ऐसे होता है। अंतवद इति, अंतवद माने ये जो बताया, अंतवद तू फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम, देवानो देव जजो जानती मद भक्ता जानती माम अपि।
ऐसा कभी होता नहीं, इसीलिए भगवान साफा करके बता दिया ये लोगा बुद्धि अल्प मेदोसा, बुद्धि इसका पक्का नहीं है। ये देवता का उपासना का फल बड़ो नाशवान है, ये देवता लोगों का उपासना का जो फल ये तो मिलता है, लेकिन ये बहुत तुच्छ फल है। और अंतबंधु, अंतबंधु मन विनाशी, ये तुच्छ फल मिला, फल मिला उसका बाद ये फल तो जाएगा ही, फल तो रहेगा नहीं। बच्चा मांगा, बच्चा मिल गया, उसका बाद बच्चा मर भी गया, पैसा आया, राजा बना, भिखारी हो गया। बहुत सारे उदाहरण है, देखो बहुत सारे, एक नहीं हजारों उदाहरण है। राजा हुआ था, उसके बाद फकीर बन गया। कई इतिहास में जाओ देखो, विचार करो। ऐसा करके देवता लोगों का अर्चन का बारे में भगवान बताएं, ये अल्प मेधोसा, उसका अल्प बुद्धि है, और जो फल मिलने वाला है वो भी अंत बंत हो, ये फल भी ज्यादा देर तक रहने वाला नहीं है, ये फल तो नाशवान है, ये रहेगा नहीं। इसलिए आगे चलकर भगवान कहेंगे आधार विचार करके, ये जो है अविधि पूर्वक देवता लोग का अर्चन तो करे, लेकिन ये अविधि पूर्वक विश्वनाथ चक्रवर्ती पर थोड़ा चर्चा किया इस विषय पर। इधर बताया वो सकल देवतांतर भक्तगणेर, वो ऐसा मापिक जो देवता लोगों का भर्जन करता है, देवता लोगों का जो भक्त है, तत्त्व देवता का आराधना, वो जो फल को नश्वर भगवान आप नश्वर समझ के दे रहे हो, किंतु अब अपना अपना स्व स्व भक्तगण तत्त्व आराधना फल के नो भगवान का आराधना के द्वारा जो फल मिलता है वो तो नश्वर नहीं है, लेकिन जो जो देवताओं को अर्चन करके वो भक्त लोग देवता का भक्त जो कुछ चीज मिलता है उसको वो तो अंत बंध अर्थात अभी है, काल नहीं भी हो सकता, नाशवान है, वो दो दिन का चीज दो दिन का लिए मंग रहा है। इधर आगे चल के 24 नंबर में कह रहे हैं, जे अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्नन्ते माम अबुद्धयो परम भावम अजानन्तो ममाप्यय मनुत्तमम। भगवान कह रहे हैं कि देखो अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्नन्ते माम अबुद्धयो परम परम भावम मजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तम। ममो हमारा अव्यय अव्यय अनुत्तमम सर्वोत्तमम परम श्रेष्ठ, मतलब कहने का मतलब है निर्बोध जो अल्पमेधा अकलमंदी निर्बोध व्यक्तिगण जो है हमारा सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ अव्यय अप्राकृत स्वरूप, वो जन्मादि लीला इसका बारे में लोगों का कोई पता ही नहीं है, अनुभव नहीं है, जन्म लीलादि अवगत हो नहीं पाता, अवगत हो नहीं पाता। और प्रपंचातीतो प्रपंचातीतो जो मैं लोकातीतो प्रपंचातीतो चिन्मय वस्तु प्रपंचातीतो लोकातीतो हमको प्राकृत मनुष्यवादी शरीर प्राप्त हुआ बोल के मंगसंते ये लोग विचार करता है कि ये भी अरे ब्रह्मो का क्या शरीर हो सकता, और दो दिन के लिए आया है, ये भगवान का शरीर भी मायामय है, मायावादी का ये विचार है, मायावादी का ये विचार है जो भगवान शरीर पकड़ के आया है, ये भी तो ब्रह्म शरीर पर कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं, ये बेकार है।
तो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्यम मन्नन्ते माम अबुद्धयो परम भाव मजानन्तो ममा अभयम अनुत्तमम। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं जे लोग निर्विशेष बुद्धि को श्रेष्ठ मानता है जो लोग निर्विशेष ज्ञान को अच्छा मानता है श्रेष्ठ मानता है जे लोग निर्विशेष बुद्धि को श्रेष्ठ मानता है ऐसा मापिक सिद्धांत कर रहा है कि मैं अव्यक्त निर्विशेष स्वरूप और कोई कारण किसी विशेष कारण कार्यवशतो व्यक्तित्व लाभ किया हमने शरीर पकड़कर आया मतलब व्यक्तित्व लाभ किया अर्थात अपना शरीर पकड़ के व्यक्त हुआ व्यक्त माने प्रकाशित हुआ। ये लोग जितना भी वेदांतो आदि उपनिषद चर्चा करे ये लोग जितना भी हो सके वेद वेदांतो आदि उपनिषद का चर्चा करे तथा फिर भी ये लोग का विचार बुद्धि निर्विशेष ब्रह्म में रमते रहे फिर भी ये लोगों का जो विचार विशेष है ये निर्विशेष ब्रह्म में ही विचरण करते हैं इसका बाहर जा नहीं पाता। और हमारा जो विशुद्ध स्वरूप है सर्वश्रेष्ठ नित्य विशेष संपन्न स्वरूप को ये लोग जान नहीं पाता और जानने का इच्छा भी नहीं ये लोग जान नहीं पाता जानने का इच्छा भी नहीं रखता है। सो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्यम मन्नन्ते माम अबुद्धयो परम भावम मजानन्तो ममाप्यमनुत्तमम। मेरा ये अव्यय अक्षय अप्रागित नित्य स्वरूप है इसको ही योग मानते नहीं है ठुकरा देते हैं मानते नहीं है। जैसे ब्रह्मा का स्तुति जो है याद जरूर है याद ब्रह्मा का जो स्तुति है हमने अक्सर दसवां स्कंद में 14 अध्याय में अथापि ते देवो पदाम्बुजद्वयो प्रसाद लेसानुगृहीत एवहि जनाति तत्तम भगवन महिम्नो नौचान्न एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। क्या लिखा है अथापि ते देवो पदाम्बुजद्वयो प्रसाद लेस अनुगृहीत एवहि जनाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न च अन्य एको उपि चिरं विचिन्न। अकेला बेसहारा बनकर कोशिश करो कुछ नहीं फल मिलने वाला। अथापि ते देवो पदाम्बुजद्वयो प्रसाद लेस अनुगृहीत एवहि जनाति तत्त्वं आपका चरण का प्रसाद का लेश अनुग्रह मिल जाए अथापि ते देव पदाम्बुजोद्वयो प्रसादो लेशानुगृहीत एव आपका चरण का जो प्रसाद है कृपा है उसका लेशानुगृहीत होने से जानाति तत्त्वम आपका बारे में जान सकता है भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्व पर्यायते। और अकेला बेसहारा बनकर कोशिश करो कुछ नहीं हो सकता भक्तों का अनुगत में हुए अनंत काल विचरण करो ब्रह्म में जाने का कोशिश करो लेकिन भगवान का स्वरूप का ज्ञान का प्राप्ति होना संभव नहीं है। जनादि तत्त्वम भगवान महिमा ऐसा प्रशिश करो और दूसरा व्यक्ति जान नहीं पाता आपका स्वरूप जानना बहुत मुश्किल है। ईश्वर कृपाले जाए तो जहारे से ही तो ईश्वर तत्व जानी वारे पारे किसने बोला चैतन्य चरितामृत में ये है चैतन्य चरितामृत में है गोपीनाथ आचार्यो अपना बनुई का सामने तर्क उठा रहा है अब बनुई तर्क कर रहा है
क्या प्रमाण है चैतन्य देव चैतन्य जी भगवान है, फालतू बात करते हो। अंतिम में गोपीनाथ जो ऐसा बोला, ईश्वर के पालेज है तो जहारे, जिसका ऊपर ईश्वर का कृपालेज होता है सही तो ही इज द कैंडिडेट हु इज द ओनली हु कैन अंडरस्टैंड। ईश्वर कृपालेज है तो जहारे, जिसका ऊपर ईश्वर का कृपालेज हो जाता है वही ईश्वर तत्व तो जान पाता है। अपना प्रयास प्रचेष्टा अकेला प्रयास प्रचेष्टा के द्वारा चेष्टा करके देखो, कभी भी भगवत तत्व विज्ञान नहीं मिलने वाला। मुखस्थ कर दोगे तत्व सिद्धांत, मुखस्थ करोगे कि अनुभव में नहीं आ पाएगा। सो ईश्वर कृपालेज है तो जहारे सही तो ईश्वर तत्व जानी बारे पारे, वही ईश्वर तत्व जान पाता है। रूप गोस्वाई प्रभु तार भगवतामृत ग्रंथ में भगवान का सर्व गुण जन्म कर्म लीला आदि आदि अंत शून्य, इसका कोई प्रारंभ नहीं है अंत भी नहीं है। जन्म कर्म लीला आदि आदि अंत शून्य बोलिया नित्यत्व ही उन्होंने इसको नित्य स्थापन किया। रघुशील रूप गोस्वाई प्रभु इनके द्वारा लिखित जो भागवतामृत लघु भगवत लघु भगवतामृत ग्रंथ में भगवान का जो सर्वगुण जन्म कर्म लीला आदि आदि अंत शून्य बलिया इसका नित्यत्व इटर्नल एग्जिस्टेंस प्रमाण किया। सो भगवत भक्तिहीन व्यक्ति भगवान का स्वरूप गुण जन्म लीलादि लक्षण युक्त भाव को माया तीतो परम अव्यय नित्यो सर्वोत्तम ये जान नहीं पाता। ये कभी नहीं जान पाता है लोग। सुतरां भगवत भक्तिहीन भगवत भक्तिहीन व्यक्तिगण ये भगवान का स्वरूप गुण जन्म लीलादि लक्षण युक्तो भाव को मायाती तो परम अव्यय नित्यो सर्वोत्तमो ये जान नहीं पाते। उल्टा उल्टा माइक अनित्य साधारण ये समझ रहा था, ये समझता है। महाप्रभु जी ने बताए मायावादी है कृष्ण चरण अपराधी, मायावादी होता है कृष्ण चरण में अपराधी। चैतन्य महाप्रभु ने खुद सिखा दिया भगवान का जो स्वरूप है भगवान का स्वरूप अनित्य करके मानता है जो महाप्रभु जी ने बताया। इसका ऊपर पखंडी, इसका ऊपर पखंडी नहीं है। भगवत कलेवर अनित्य गुरिमा है, जो अनित्य इटर्नल नहीं है ऐसा कोई मानता है तो इसका ऊपर बढ़कर मायावादी नहीं है। सबसे बड़ा बदमाश मायावादी कृष्ण चरणे अपराधी। सो ईश्वर कृपाले जो तो जा रहे सही तो ईश्वर तत्व तो जाने में हर आदमी का लिए संभव नहीं। उपनिषद का ये श्लोक भी याद करना, याद है ना पहले हमने चर्चा किया था, नायामात्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहु न सुते न जमे जमे वैश्य विनुत तेन लभ्य आत्मा विनुते तनुषाम आत्मा विनुते तनुषाम। सो नायम आत्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहु न सुते न जमे वैश्य विनुत तेन लभ्य तस्व आत्मा विनुते तनुषाम। ये है, ये सब विचार करके भगवान ने प्रमाण की जे हमको जान नहीं पाता। ये असुर भावापन्न राक्षस भावापन्न जो आदमी है ये सब जान नहीं पाते। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्यम मनन्ते माम अबुद्धयो परम भावम मजानन्तो ममाभयम अनुत्तम। इसका बाद भगवान कह रहे हैं
इसके बाद भगवान कह रहे हैं कि नाहम प्रकाशः सर्वस्व योगमया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभि जानाति लोको माम अजम अभयम। ये बड़ा काम का श्लोक है। भगवान प्रकाशित नहीं होते। भगवान ने बोला, भगवान ने बता दिया कि नाहम प्रकाशः, मैं प्रकाशित नहीं होते। नाहम प्रकाशः सर्वसा योगमाया समावृत, मैं योग माया के द्वारा अपने को आवृत, समावृत सम्यक आवृत, साधारण आवृत नहीं। भगवान को आवृत करना संभव नहीं। जैसे आसमान में सूरज भगवान को दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि मेघ बादल आके ढक दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य भगवान को एक मेघ का टुकड़ा मेघ आके ढक दिया, ऐसा संभव नहीं। ऐसा संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं कि एक टुकड़ा मेघ बादल आया और एक टुकड़ा बादल आके पूरा मेघ को ढक दिया। ये सूरज जो है सूरज को ढक दिया, ऐसा संभव नहीं। ढक दिया आंखों, हमारा आंखों का ऊपर पट्टी लगा दिया। ये जो बादल आया हमारा आंख को, हमारा आंख का जो दृष्टि है वहां तो नहीं जा पाता, इसलिए बादल आके मेरा आंख को ढक दिया। लेकिन सूरज का साथ वो बादल का कितना गहरा विचार है, कितना पार्थक्य है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, कितना लाइट ईयर्स। तो कभी भी संभव नहीं कि एक बादल का टुकड़ा सूरज भगवान को ढक दे। लेकिन कहने का मतलब है ये बादल का टुकड़ा जो है हमारा आंख को धोखा दे सकता है। ये बादल का जो टुकड़ा है हमारा आंखें को धोखा दे सकता है, लेकिन सूरज भगवान को ढक नहीं सकता। जैसे अश्वत्थामा हाथी मर गया तो द्रोणाचार्यों को युधिष्ठिर महाराज ने बताया ना, अश्वत्थ वगैरह अस्काबाद, और क्या नाम है उसका, जो जिसको अंधेरा होने से और युद्ध नहीं हो सकता, और उसका मारने का बाद देखा जो सूरज नहीं ढल गया, सूरज आसमान में है। ये भगवान के अरेंजमेंट है, बादल लेके सब कोई का आंखों को ढाल, आंखों को पर्दा लगा दिया, और बाद में जब उसको मार दिया सिकंड किसका मालूम नहीं, भूल गया। इसका बात प्रमाण हुआ जे ना, ये तो ढक दिया, तो ये तो सूरज को ढकने का नाटक किया। सूरज तो अभी है, अभी सांझ नहीं ढला, ऐसा करके प्रमाण दिया। सो ना हम प्रकाशः सर्वस्यः योग मया समावृत मुरो अयम नाभि जानाति लोको माम अजम अभयम। हम योग माया का, योग माया का कवरिंग में भगवान कह रहे हैं कि मैं योग माया का जो पर्दा है, योग माया का कवरिंग का अंदर योग माया समावृत बोल के सब कोई के सामने प्रकाशित नहीं होते। और इसीलिए मूढ़ मूर्ख ये मानव जाति जो है जगत, हमारा अंग नित्य स्वरूप को परिज्ञात तो हो नहीं पाते। ना हम प्रकाश सर्वस्व, सब कोई के सामने प्रकाशित नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कि ना हम प्रकाश सर्वस्व, लेकिन भक्तों का सामने तो जरूर प्रकाशित हो जाता। ये योग माया का खेल है। जैसे महाप्रभु सातों संप्रदाय में एट ए टाइम जगन्नाथ का रथ यात्रा में महाप्रभु सातों संप्रदाय में लगातार एट ए टाइम नृत्य कर रहे हैं, लेकिन सर्व भट्टाचार्यो और राजा और दो चार दो एक देख सकता, लेकिन किसी का
सामने जोगमाया ये लीला को प्रकाशित नहीं की। किस लिए? बोले भगवान का इच्छा के अनुसार, भगवान का इच्छा भाई, इच्छा के अनुसार प्रकाश की। जोग माया का काम है भगवान का इच्छा का पूर्ति करे। सो ना हम प्रकाश सर्वस्य जोग माया समावृत, जोग माया का पर्दा का पीछे मैं रहता हूं, सब कोई के सामने में आता नहीं। और मूढ़ो अयम, ये मूर्ख जो लोग है, सामाजिक लोग है, ना भी जनाति लोको माम अजम अभयम, हमारा जो नित्य स्वरूप है सब कुछ है, ये मूर्ख का लोक, मूढ़ा लोक, एकदम मूर्ख नंबर वन, ये लोग मेरे को जान नहीं पाते। ना हम प्रकाश सर्वस्व जोग माया समावृत, मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको माम अजम अभयम, मेरे को जान नहीं पाते। विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद उदाहरण दिए, सूर्य जैसे सुमेरु शैलों का आवरण में चला जाता है, इसलिए हर वक्त सूरज का दर्शन संभव नहीं है, सूरज ढल जाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद उदाहरण दिए, सूर्य जैसा सुमेरु शैलों का पीछे चला जाता है, हर वक्त लोगों का नजर में नहीं आता है, कभी कभी आता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे किंतु कदाचित ऐसा ही मापिक मैं भी सूर्य जैसे ढक्कन रह, सूर्य जैसे प्रकाशित नहीं हो पाते हर वक्त, सुमेरु पर्वत का पीछे चले जाने से इधर अदृश्य हो जाता है, उस तरफ का लोग देखे, फिर काल सुबह इधर दर्शन होगी, उधर दर्शन बंद, ऐसा माफी। भगवान बोला कि हम भी जोग माया का कवरिंग का अंदर में रहता हूं, जोग माया का पर्दा का पीछे, ताकि साधारण आदमी मेरे को समझ नहीं पाए। आगे चलकर भागवत में भी दसवां स्कंद में है, कुंती देवी का भी स्तव है, पहला स्कंद में नटो नट्टो धरो यथा, नटो नट्टो धरो यथा, नटो नट्टो धरो यथा, ऐसा उदाहरण दिए कुंती जी महारानी, जैसे नाटक करने वाले जो है नटो नट्टो धरो यथा, अलग अलग बेस बना के सामने आता है। अगले श्लोक में आगे चलकर बोली है माया जवनिका छन्न, माया जवनिका छन्न, जोग माया का जवनिका मतलब पर्दा का पीछे आप रहते हो, ऐसा करके विचार बनाया। भगवान सब कोई के सामने प्रकाशित नहीं थे, लेकिन भक्तों का सामने जरूर। भगवान का जीव गोस्वामी पाद जी ने बताया, भगवान का सब प्रकाशतामय शक्ति, भगवान का सब प्रकाशत शक्ति, भगवान का अनंत शक्ति है, भगवान का अनंत शक्ति है, लेकिन भगवान का एक शक्ति का नाम है सब प्रकाशता शक्ति, जिसके द्वारा भगवान चापाल गोपाल नामक दुष्टों का सामने भी प्रकाशित होता है, इच्छा करके लीला रचना के लिए, समझा? चापाल गोपाल का हमने भगवान प्रकाशित हुआ, ये भगवान का इच्छा सब प्रकाशित। जैसे पुरुषोत्तम धाम में रथ यात्रा का अपने सात संप्रदाय भगवान नाच रहे, लेकिन कोई देख नहीं पाता, भगवान का इच्छा है केवल सर्वम वर्तजो और राजा और दो एक आदमी देखे, इच्छा का अनुसार जोग माया भी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रही है। सो माया जवनिका छन्यम आत्मनम, भागवत का ये विचार है, पहला स्कंद में, दसवें स्कंद में है, बहुत सारे विचार है। वेदाहम समिति तानी वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि ममास्तु वेदो न कश्चन। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्यत वर्तमान सावर जंगमनादि सर्वभूत का बारे में मेरे को जानकारी है,
तमाम तमाम जानकारी मेरा है, लेकिन कोई मेरे को जान नहीं पाता। वेद अहम, मैं जानता हूं। समिति तानी वर्तमानानी चार जुनो, भूत भविष्यत वर्तमान मैं सब जानता हूं। भविष्यवाणी तो क्या बताया, वेदाहम समिति तानी वर्तमानानी चार जुनो भविष्यवाणी च भूतानी मास्तु वेदो न कश्चन, मेरे को कोई जान नहीं पाता। सब कोई को मैं जान पाता हूं, मेरे को कोई जान नहीं पाता, संभव नहीं। भक्तिमान ठाकुर जी ने कह रहे हैं कि नित्य सच्चिदानंद स्वरूप जो मैं हूं, भक्तिमान ठाकुर कह रहे हैं कि नित्य सच्चिदानंद स्वरूप जो मैं हूं, मैं समस्त अतीत वर्तमान भविष्य जो कुछ भी हुआ हुआ होगा हो रहा है सब कुछ मैं जानता हूं साइमल्टेनियसली। भगवान ओमनी प्रेजेंट, भगवान ओमनीशियंट, भगवान सब कुछ जानता है। सारे भूत भविष्यत वर्तमान सारे एट ए टाइम साइमल्टेनियसली अनंत ब्रह्मांड में कहां कुछ हो रहा है, कोने कोने में एक धूली कण का भी खबर मैसेज जो है भगवान के पास है। हे अर्जुन, ब्रह्म और परमात्मा रूप हमारा प्रकाशोद्वय जानने का बाद अवगत हो आओ, मायावद हमारा ये सब देने का ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हमारा प्रकाशोद्वय को अवगत हो आओ। थोड़ा बहुत जानकारी ले लिया ब्रह्म क्या है परमात्मा क्या है, फिर भी मायाबद्ध जितना सारे लोग हैं मायाबद्ध लोग सकल हमारा नित्य मध्यम आकार श्याम सुंदर जो नित्य स्वरूप है उसको ठुकरा देते हैं, मानते नहीं, ये लोग मानते नहीं, नहीं नहीं इसको फेंको, ये सब फेंक दो, ऐसा करके पूरा तमाम भक्तमंडो कह रहे हमारा ये नित्य स्वरूप है इसको भी ये जान नहीं पाते। वेदाहम समिति तानी वर्तमानानी चार्जुनो भविष्यवाणी च भूतानी मामस्तु वेदो न कश्चन, हमको कोई नहीं जान पाता है, संभव नहीं, कोई नहीं जान पाता है मेरे को। यहां विचार बनता है मायाधीश माया बहुत ईश्वर जी वे भेद, भूत भविष्यत वर्तमान जो है सावर जंगम माया जो कुछ भी है सारे भगवान का अंडर भगवान का कंट्रोल में है। माया भगवान का कंट्रोल में है तभी ये माया है, भगवान माया का कंट्रोल में नहीं है, माया भगवान का कंट्रोलिंग में है। आश्रित तत्व आश्रय तत्व आश्रित तत्व है ना, यहां 27 नंबर श्लोक में बताया कि इच्छा देश समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सन्मोहं सर्गी यान्ति परंतप, हे परंतप हे भारत, हे भारत वंशियो सर्गे मैंने तो सृष्टि काल में सर्वभूतानि सब जीव सकल सारे प्राणी इच्छा देश समुत्थेन वासना एवं देश जनित द्वंद्व मोह का सुख दुखों का द्वंद्व मोह सम्मोहन जानती, अर्थात मानी है हे परंतपो हे भारत वंशीय अर्जुन भरदर सब सृष्टि आरंभ काल से लेकर सृष्टि का प्रारंभ काल से लेकर जितना सारे जावतीय जीव इच्छा और देश जनितो सुख दुखादि द्वंद्व कन्फ्लिक्शन सुख दुख राग देश का द्वंद्व विषय सम्मोक्ष मोह प्राप्त हो जाता है क्योंकि पता नहीं चलता ना। जितना भी तत्वों को मुखस्थ करो फिर भी प्रैक्टिकल फील्ड में गलती हो जाता,
प्रैक्टिकल फील्ड में गलती। सृष्टि प्रारंभ काल से लेकर जितना सारे जीव है सब अपना अपना इच्छा देश काम क्रोध लोभ मोह सुख दुख ये सब द्वंद्व विषयक मोह प्राप्त होकर अनित्य संसार में भ्रममान है, भ्रमण कर रहे हैं, ये चल रहा है, इसका कोई चलना खत्म नहीं भाई, चल रहा है। इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सन्वहम सम्मोहम सर्गे जानति परंतप। जैसा ऐसा कर्म फल है भोगना पड़ता है, ऐसा ऐसा कर्म फल को भोगना भोग लेता है, क्या करे। शिला सच्चिदानंद भक्त ठाकुर कह रहे हैं किस लिए ऐसा होता है, इसका प्रमाण दे रहे हैं। जीव भक्ति ठाकुर कह रहे हैं जीव जब तक शुद्ध रहता है शुद्ध स्वरूप में तब तक चिरिंद्रियों द्वारा हमारा नित्य स्वरूप देख पाता है। जब कोई कंटेमिनेशन नहीं है विशुद्ध स्वरूप में जीव अवस्थित हो जाता है चिदिंद्रियों के द्वारा हमारा नित्य स्वरूप को देख पाता है। किंतु ये जीव जब बद्ध हो जाता है बद्ध हो के सृष्टि का अंदर गतो वर्तमान हो जाता है तब अविद्या के कारण इच्छा देश जनितो द्वंद्व मोह द्वारा सम्मोहित हो या परे ये हिप्नोटाइज्ड हो जाता है। अविद्या के कारण जब बद्ध होके माया का ओर खिंचावट अनुभव करता है माया का संग हो जाता है तब ये वर्तमान सृष्टि मध्य वर्तमान हो जाता है बद्ध अवस्था में आता है। और तब अविद्या के कारण इच्छा देश जनित द्वंद्व मोह के द्वारा सन्मोहित तो हो जाता है उस समय। और विद्वत प्रतीति अर्थात विद्वान लोगों का दर्शन विद्वान लोग वास्तव तत्वदर्शी लोगों का जो दर्शन क्षमता है ये नहीं बचता नहीं रहता इस समय उसका विद्वत प्रतीति रहता नहीं। मैं सीओ चित शक्ति के कारण प्रपंच में हमार नित्य स्वरूप को उदय कराता हूं मैं भगवान कह रहे। और बौद्ध जीवों का जड़ चक्षु का विषय तो इच्छा करके हमारा जो सब प्रकाश शक्ति इच्छा करके मेरा अपरागित शरीर को ये जड़ जड़ में लाकर खड़ा कर देता है मेरा इच्छा के अनुसार। बौद्ध जीव गणेश जड़ चक्षु का विषय तो हो जाता है लेकिन तत्व दर्शन नहीं है तो वास्तव दर्शन है नहीं। चापाल गोपाल के सामने भगवान चैतन्य महाप्रभु खड़ा हुआ है लेकिन ये दर्शन नहीं है वास्तव। शिशुपाल के सामने कृष्ण खड़ा हुआ है ये दर्शन नहीं लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं बद्ध जीवों का जड़ चक्षु का सामने आ जाता हूं ताकि वो देख पाए मेरे को। तथापि माया का द्वारा समाच्छन्न होकर अविद्वत प्रतीति प्राप्त होके हमारा जो स्वरूप को अनित्य मानता है हमारा स्वरूप ठीक नहीं है अनित्य मानता है ऐसा करके उदाहरण दिया है। हमारा स्वरूप को अनित्य मानता है ऐसा करके विचार करके भगवान दिखाया है। और इच्छा देश समुत्थेन ये तो एक काल का अनंत काल से चल रहा है। ये जीवों का जो जीव तत्व का विचार हो रहा है बद्ध मुक्त ये सब विचार असली बात तो ये है नित्य बद्ध नित्य कृष्ण नित्य मुक्त जो है कृष्णचरण नित्य उन्मुख दो कैटेगरी है। ततोष्टा भाव जो है वो मार्जिनल प्रोटेंसी ततोष्टा भाव जो है सूक्ष्म रूप में जैसा मन को देखा नहीं जाता मन को देखा जाता लेकिन मन है ऐसा ततोष्टा भाव भी है। अगर ततोष्टा भाव नहीं है आज कोई व्यक्ति भजन करना शुरू कर दिया काल माया का खिंचावट में आ गया फिर पतन हो गया ये ततोष्ट भाव है। ततोष्ट भाव से थोड़ा ऑसिलेटिंग कंडीशन ततोष्ट कंडीशन मार्जिनल है इससे कभी डायना बाजू जाओ पॉजिटिव वर्ल्ड में कभी नेगेटिव वर्ल्ड में जाओ ऐसे चलते रहता है। जो इच्छा देश समुत्ते नहीं ये नित्य काल अगला दिन ये चर्चा करके ततोष्ट शक्ति के बारे में थोड़ा बताएंगे जाकि समझ में आए
जब महाविष्णु से जितना सारे जीव है सारे अनंत अनादिकाल से बहिर्मुख है, इसका मन में इसका हृदय में जो ततस्था भाव है कभी साधु संघ के द्वारा पॉजिटिव डिरेक्शन में, जैसे अजामिल का हुआ, अजामिल पहले उतना बद्धदशा तो है ही है, अजामिल कभी मुक्त तो नहीं था, लेकिन बद्धदशा होने से भी उतना बद्ध नहीं है, उसका अंदर में सालगम अर्चन का प्रसंग आता है, बड़े बूढ़े को पिता माता को सम्मान, सालगम का पूजन करना, गायत्री जप करना है, लेकिन जब माया का खिंचावट हुआ ततस्था भाव का मतलब है फाइन कंडीशन में, वो तो कुछ पॉजिटिव डिरेक्शन में आगे, आज ही काल कथा का डिस्टर्बेंस हो गया इंटरनेट के कारण, आज हो पाएगा इसका चर्चा करेंगे, जो ततस्था भाव है मतलब मार्जिनल, तभी इसका राइट डिसीशन कभी परफेक्ट डिसीशन कभी रॉन्ग डिसीशन लेता है, ये ततस्था ऑसिलेटिंग कंडीशन ये होता है बद्ध जीवों के अंदर में, और साधु गुरु वैष्णव का अगर कृपा मिले तब तो भगवान का और चलना शुरू कर देगा, ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ तक आज रहे, काल हम चर्चा करेंगे, अगले दिन चर्चा करेंगे। जमादिभिर् जोगपथै कामलोभहतो मुहु मुकुंद शिवया यद्वत् तथा ध्यातान सम्मति वांछ कल्पतरुवशिक वासिन्द भवच पतितानं पावन वैष्णवभ्यो नमो। हाँ ननु एक्चुअली माउस नॉट विजिबल, हेलो यू ऑफ द कंप्यूटर, आई कैन नॉट ऑफ बिकॉज माउस नॉट देयर, माउस वैनिश, आई कैन नॉट फाइंड मनीष, एंड अप टू 27 श्लोक आई डिस्कस टुडे From 18, I start from 18 purposely. I was going back and again going to discuss. Follow. Though I yesterday 21st sloka, up to 21st piece, you can start again from 19 to 27. Follow. I can start Arnik quickly. I cannot off. You cough. Mouse is not visible. Yes, sir. Do quickly.